अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। ये जनाब आज है 2 जनवरी 2023 और मरी माल रोड की देख लें, ये वही माल रोड का एरिया है जहां न्यू ईयर नाइट को एक भरपूर किस्म का रश था। जी अब ये है कि चलें, ये रश तो चलता ही रहता है जी मरी में ना, इस रश ने चलते ही रहना है। लेकिन ये पोजीशन है कि वो बेहंगम सा रश था, ज़्यादातर लड़के वड़के आते हैं, ज़रा मस्तियाँ शोर शराबा, उसके बाद वो आतिशबाजी के चक्कर में उसने यानी पूरे गिरदोनवा से जो है पंजाब पूरे से जो है वो लोग आते हैं, लड़के आते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय किया उन्होंने और बस वो एक दिन का एंजॉय होता है जी, लोग निकल जाते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में जो है वो कपल्स वगैरह निकलते हैं जी। और ये मरी क्योंकि बर्फ़बारी का सिलसिला इस दफ़ा कम है तो इसलिए भी लोग जो हैं वो आप देखते हैं बर्फ़बारी हो तो मरी की तरफ जाएं, आना चाहिए जी मरी में। मरी एक नज़दीक ग्रीन पॉइंट है जी, टूरिस्ट के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ मरी में, मौसम भी अच्छा है और यहाँ लोग खुशी से आना भी पसंद करते हैं क्योंकि सिक्योर है यहाँ। लेट नाइट माल रोड पे यहाँ इस साइड पे घूमना, ये सारी दुकानें दाएं बाएं जितनी भी हैं ये सारी रात ओपन रहती हैं जी, पूरा माल रोड जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ओपन होता है। इस दफ़ा तो ऐसी पोजीशन है कि जितने भी मरी के होटल्स हैं उन्होंने भी इस दफ़ा आप लोगों को कमेंट्स मिले भी होंगे, लोगों के जो लोग आए हैं उन्होंने देख बताया भी होगा कि इस दफ़ा होटल्स इंडस्ट्री ने बड़ा कोऑपरेट किया लोगों के साथ, रेट्स में बड़ा तावन किया, मरी की इंतज़ामिया ने उन्होंने बड़ा तावन किया और किसी भी किस्म का जो है वो ऐसा सीन नहीं हुआ, यानी जिसे कहा जाता है कि कोई भी किसी किस्म का ना लड़ाई झगड़ा, कोई किसी किस्म का फसाद अल्लाह ने किया एक बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है वो न्यू ईयर नाइट पुरसकून तरीके से गुजर गई थी। और इंतज़ामिया का इसमें मरी की टोटल जितनी भी इंतज़ामिया है उसका बहुत किरदार है जी इस दफ़ा, टूरिज़म स्क्वाड्स उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा, ट्रैफिक वार्डन्स का, बल्दिया के जितने भी लोग हैं उनका, उसके अलावा हमारी जो मिलिट्री इंतज़ामिया इन्होंने भी जो है वो मेडिकल कैंप वगैरह लगाया हुआ था, उसके बाद हमारी पुलिस इनका भी बड़ा अच्छा सिस्टम रहा जी और सब ने बड़ा मिलजुल के एक अच्छा किरदार अदा किया जी। और उसमें ये है कि इस तरह के मामलात हों तो लोग खुशी से आते हैं जी। लो आपस
और किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी किसी। ये देखें तो जीपीओ चौक लोग आज भी जो है वो आ रहे हैं जी चौक की तरफ। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। तो बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि आपको वक्तन फ़क्तन जो ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो बेल आइकन वगैरह इन चीज़ों को ऑन करने में सुस्ती ना कीजिए। जितने भी नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, पुराने तो जिनको ऑटोमेटिक मिल रही है वो तो सब्सक्राइब्ड हैं। इसमें ऐसे होता है कि आप लोगों को वीडियोस मिलती हैं और चंद लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो सोचते हैं ऐसे कि शायद सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद मोबाइल पे कोई लोड पड़ जाएगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी आपको बेल आइकन वगैरह का या इस चीज़ का कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता आपके मोबाइल पे लोगों के, ना उस पर कोई बोझ पड़ता है, बल्कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है कि हर तरह की न्यूज़, हर तरह की आपको जो है टिप्स मिलती रहती हैं जी लोगों की तरफ से। जितने भी यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, सब का कुछ ना कुछ किसी के पास फजूल में तो कोई टाइम नहीं अपना स्पेंड करता, आप लोगों को अच्छी चीज़ दिखाने के लिए ही किया जाता है जी ये। लोग वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उस पे मोबाइल की मेमोरी में या किसी भी जो है वो मोबाइल को डिस्टर्ब नहीं किया करता जी वो, ठीक है। उस पर यही है कि जिसने वीडियो कोई ओपन की, देखी, पसंद नहीं आई, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनाए जी क्या हाल है जी आपका, ठीक है? थोड़ा बहुत वहाँ की सारा हो गया ये देखें जी, यहाँ रश था कल कितना ज़्यादा और आज स्लो हो चुका है। नई वीडियो आने तक के लिए इजाज़त चाहूँगा जी, मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।